एक किसान हमेशा एक बेकरी वाले को 1 पाउंड मक्खन बेचा करता था। वह किसान हमेशा सुबह के समय उस बेकरी वाले के पास आता और उसे 1 पाउंड मक्खन दे जाता। एक बार बेकरी वाले ने सोचा कि वह हमेशा उस पर भरोसा करके मक्खन ले लेता है, क्यों ना आज मक्खन को तोला जाए, इससे उसका पता चल सके कि वो उसे पूरा मक्खन मिल रहा है। जब बेकरी वाले ने मक्खन तोला तो मक्खन का वजन कुछ कम निकला। बेकरी वाले को गुस्सा आया और उसने उस किसान पर केस कर दिया। मामला अदालत तक पहुंच गया। उस किसान को जज के सामने पेश किया गया। जज ने उस किसान से प्रश्न करना शुरू किया। जज ने पूछा कि वह उस मक्खन को तौलने के लिए बाट का प्रयोग करता है क्या? किसान ने जवाब दिया, मेरे पास तौलने के लिए बाट नहीं है, फिर भी मक्खन तौल लेता हूँ। जज हैरानी से पूछता है, बिना बाट के तुम मक्खन कैसे तौलते हो? इसका जवाब किसान ने दिया कि वह लंबे समय से इस बेकरी वाले से 1 पाउंड ब्रेड का लोफ खरीदता है। हमेशा यह बेकरी वाला उसे देकर जाता है और मैं उतने ही वजन का उसे मक्खन तौल कर देता आया हूँ। किसान का यह जवाब सुनकर बेकरी वाला हक्का बक्का रह गया। इस बेकरे वाले की तरह ही हम भी अपने जीवन में वो ही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। एक बार आप सोचिए, आप दूसरों को क्या दे रहे हैं? धोखा, दुख, ईमानदारी, झूठ या फिर वफा? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हर रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिले और आप कुछ सीख सकें और मैं आपको कुछ सिखा सकूं। और कमेंट में बताएं कि आपको किस टाइप की कहानी पसंद है।